साक्षी प्लीज कुक समथिंग फॉर मी ओकेट्स मीन वाइल मतलब इस बीच इस दौरान जब तक वो खाना बनाती है उस दौरान मैं ये बिस्किट्स खा लेता हूं मीन वाइल आई बिस्किट्स क्या हुआ अंजलि मेरा फोन ही नहीं उठा रही शी इज नॉट आंसरिंग माई कॉल वो जरूर बिजी होगी शी मस्ट बी बिजी जब हम किसी के बारे में गेस करते हैं कि वो जरूर ऐसा होगा इस हालत में होगा तो हम यूज करते हैं मस्ट बी शी मस्ट बी बिजी वो जरूर बिजी होगी भाई साहब आप ये कार्ड लेते हो वी एक्सेप्ट ऑल कार्ड एक्सेप्ट मास्टर कार्ड ए सी सी पी टी एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना लेना एक्सपीटी e एक्सेप्ट -E मतलब सिवाय इसके इसके अलावा इसको छोड़कर हम सभी कार्ड्स एक्सेप्ट करते हैं सिवाय मास्टर कार्ड के वी एक्सेप्ट ऑल एक्सेप्ट मास्टर कार्ड कोविड की न्यूज से इंग्लिश वर्ड सीखते हैं पहली हेडलाइन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वॉइस कंसर्न वॉइस का मतलब हमें पता है आवाज लेकिन यहां इसे एक एक्शन की तरह एक वर्ब की तरह यूज किया गया है आवाज उठाना कंसर्न मतलब प्रॉब्लम समस्या सो प्राइवेट हॉस्पिटल ने किसी समस्या को लेकर आवाज उठाई है क्या कंसर्न है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कैब्ड रेट्स नॉट वायबल कैप्ड रेट्स मतलब जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है लिमिट लगा दी है कि इससे ज्यादा आप पेशेंट्स को नहीं चार्ज कर सकते वो रेट्स यानी कैब्ड रेट्स लिमिट में रेट्स वायबल नहीं है वायबल मतलब गुजारे लायक Not viable मतलब गुजारे लायक ना होना यानी सैलरी ज्यादा है खर्चे ज्यादा हैं पर इनकम कम है सो गुजारा नहीं चल सकता कैप्ड रेट्स नॉट वायबल उससे काम नहीं चल पाएगा हमारा सो so क्या चाहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स वॉन्ट रेट रिस्ट्रिक्शन टू गो जो रेट रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगा रखी है पाबंदी लगा रखी है रोक लगा रखी है रेट्स पर वो चाहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन हट जाए चली जाए हॉस्पिटल्स वालों का कहना है कि रूल किलिंग प्रॉफिट्स यानी ये जो रूल गवर्नमेंट ने बना दिया है कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते ये हमारे प्रॉफिट्स को किल कर रहा है मार रहा है खत्म कर रहा है अब इस बात को लेकर मीडिया वालों ने हॉस्पिटल्स पर सवाल उठाए हैं कि प्रॉफिट ओवर पेशेंट्स क्या आज आपके लिए पेशेंट से ज्यादा जरूरी प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट ओवर पेशेंट्स सो मीडिया वालों का कहना है प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन अ फिक्स इन अ फिक्स का मतलब है किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाना आगे कुआं पीछे खाई किधर जाएं या तो प्रॉफिट का सोचें या अपने पेशेंट्स का सोचें क्या करें इन फिक्स बहुत ही मजेदार फ्रेज है आप भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं कि क्या करें आई एम इन अ फिक्स मैं एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गया हूं क्या सिर्फ सौ रुपए तुम पर तो मेरे पांच सौ रुपए देने रहते हैं यू ओ मी फाइव हंड्रेड यू ओ मी मतलब तुम मेरे कर्जदार हो मेरे देनदार हो शी इज वर्शिपिंग एन आइडल आई एम स्टैंडिंग आइडल आई डी ओ एल आइडल मतलब मूर्ति वो मूर्ति की पूजा कर रही है आई डी एल ई आइडल मतलब खाली होना मैं खाली खड़ा हूं असम में आए फ्लड्स की न्यूज से इंग्लिश वर्ड सीखते हैं असम रेवेस्ट बाय फ्लड्स रेवेस्ट मतलब बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना बुरी तरह से तबाह हो जाना सो असम बुरी तरह से तबाह हो गया है कैसे फ्लड्स से इसी न्यूज़ में नेक्स्ट हेडलाइन देखते हैं रेन्स इंटेंसिफाई फ्लड सिचुएशन इंसेसेंट मतलब लगातार नॉन स्टॉप कंटिन्यूस इंसेसेंट रेन्स लगातार बारिश इसने फ्लड सिचुएशन को इंटेंसिफाई कर दिया है इंटेंसिफाई मतलब और बढ़ा दिया है फ्लड सिचुएशन को फ्लड के हालात को और बढ़ा दिया है नेक्स्ट हेडलाइन है डेथ टोल माउंट्स टू 113 इन आसाम डेथ टोल मतलब मरने वालों की गिनती टोल मतलब गिनती माउंट्स मतलब जैसे माउंटेन होता है पहाड़ होता है इसी तरह मरने वालों की गिनती पहाड़ की तरह ऊंची हो गई है बढ़ गई है 113 पहुंच गई है नेक्स्ट हेडलाइन 40 लाख अफेक्टेड ओवर 50,000 इन रिलीफ कैंप्स 40 लाख अफेक्टेड अफेक्टेड मतलब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं 40 लाख जिंदगियों पर असर पड़ा है 50,000 50,000 मतलब 50,000 से ज्यादा 50,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में हैं। रिलीफ मतलब राहत सो so, उनकी राहत के लिए बनाए गए कैंप्स में उनको रखा गया है बाहर मौसम कैसा है वेदर बारिश हो रही है इट इज रेनिंग हम इट इज रेनिंग क्यों बोलते हैं रेन इज कमिंग क्यों नहीं क्योंकि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि चाय कैसी है हाउ इज द टी तो आप कहते हो गर्म है इट इज हॉट इसी तरह आपसे मौसम के बारे में पूछा जाता है हाउ इज द वेदर तो आप मौसम के बारे में कहते हो बारिश हो रही है इट इज रेनिंग अवल कहाँ थे वे वो मैं पड़ोस वाली नेहा के पास था आई वॉज विद नेहा नेक्स्ट डोर किस लिए हाँ दो लिए बॉस ढूंढ रहा होगा चलो चलते हैं अरे मिट्टी झाड़ लो शेक ऑफ द डस्ट इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की स्पीच से इंग्लिश वर्ड सीखते हैं उन्होंने कहा न्यू इंडिया रेडी टू स्टेयर डाउन द ड्रैगन द ड्रैगन यहां चाइना को कहा गया है क्योंकि उनका सिंबल ड्रैगन है और वो आग भी उगलता है सो so, उन्होंने कहा न्यू इंडिया यानी नए दौर का भारत रेडी टू स्टेयर स्टेयर डाउन मतलब घूरना सो so, नए दौर का भारत चाइना को घूरने को तैयार है उसका मुकाबला करने को तैयार है इसी न्यूज में नेक्स्ट हेडलाइन है आइडिया ऑफ बेंडिंग बिफोर द बुली रिजेक्टेड बुली कौन होता है जो दूसरों को परेशान करता है दूसरों को तंग करता है बेंडिंग मतलब बेंड करना, झुक जाना सो so किसी परेशान करने वाले के आगे झुक जाना उन्हें पसंद नहीं वो आइडिया उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है नेक्स्ट हेडलाइन है भारत कम्स ऑफ एज टेक्स द राइट स्टैंड कम्स ऑफ एज का मतलब होता है बड़ा हो गया है मेच्योर हो गया है बच्चा नहीं है भारत कम्स ऑफ एज टेक्स द राइट स्टैंड मतलब सही के पक्ष में खड़ा होता है सही के हक में खड़ा होता है नेक्स्ट हेडलाइन है विश्व गुरु इंडिया नो लॉन्गर बाय स्टैंडर बाय स्टैंडर वो इंसान होता है जो साइड पर खड़े होकर तमाशा देखता है बीच में नहीं पड़ता लेकिन उन्होंने कहा कि अब इंडिया बाय स्टैंडर नहीं रहा अब ग्लोबल मसलों में ग्लोबल इश्यूज में इन्वॉल्व होता है शामिल होता है नेक्स्ट हेडलाइन है शेडिंग नॉन अलाइनमेंट ओनिंग लीडरशिप नॉन अलाइनमेंट लिखा है लेकिन आपने शायद कार की सर्विसिंग के टाइम पे अलाइनमेंट वर्ड सुना होगा टायर्स की अलाइनमेंट की जाती है ताकि वो एक सीध पर एक साथ काम कर सकें इंडिया की एक पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की जिसके बारे में आप बाद में पढ़ लेना पर उस पॉलिसी के कारण कुछ बड़े देश उसका फायदा उठा लेते थे इसलिए अब उस पॉलिसी को हम शेड कर रहे हैं हटा रहे हैं और लीडरशिप को ओन कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं नेक्स्ट हेडलाइन है कॉशन इरा ओवर कौशन मतलब सावधानी केयरफुल होकर चलना सेफ होकर चलना इरा मतलब दौर सेफ होकर चलने का दौर खत्म हो गया है असरशन मतलब अपनी बात कहना अपनी बात पर जोर डालना असरशन नाव इंडिया अब इंडिया पूरी दुनिया में अपनी बात कहेगा उस पर जोर भी डालेगा इस मजेदार वीडियो की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है बहुत खास है जिसमें मैंने बिल्कुल शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाया है और बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा लेकिन वहां जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके जाना अपने कॉमेंट्स देकर जाना ऑल द बेस्ट